सबसे पहले कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, लास्ट टाइम था कि थोड़ा सी क्विक रिवीजन है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, और किस तरह से लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन के बाद हमने उसका पार्स ट्री बनाया था, और ये आपने लास्ट टाइम एक असाइनमेंट की थी। जी, क्वेश्चन है कि जैसे, हाँ जी अरबाज, अरबाज आपका क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर स्टार्ट कर कंटिन्यू कर। चलिए नो सर, सर वो गलती चलिए ठीक। तो ज्यादातर जो कंटेंट्स हैं हम फॉलो करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल आईकॉन। तो पार्स ट्री में हमने कहा था कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिहाज से और राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिहाज से हम किस तरह से पार्स ट्री बनाते थे। रूट पे स्टार्ट नोड था और स्टार्ट सिंबल था, उसके बाद उसके इंटरमीडिएट नोड्स में हमेशा वेरिएबल या नॉन टर्मिनल थे, और लीफ नोड्स हमेशा हमारे पास टर्मिनल थे, और उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हम करते थे। तो और जो स्ट्रिंग हम गेट करना चाह रहे थे वो हम गेट कर। आज का टॉपिक उसी को कंटिन्यू है, ये काम भी आपको दिया था लास्ट टाइम। तो इसके दो तीन तरह के लोगों ने पार्स ट्री बनाए थे, तो किस तरह से बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर क्या है और क्यों ये हमारे लिए हम नॉर्मली यूज नहीं करते। सी एफ जी एम्बिगुअस होगी अगर सेम एक स्ट्रिंग की किसी लैंग्वेज में किसी एक स्ट्रिंग के लिए भी दो या दो से ज्यादा पार्स ट्री बन जाए, या फिर दो या दो से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किसी एक स्ट्रिंग के लिए भी बन जाए, तो हम उसको, या एक दो या दो से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए तो हम उसको एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि एक दफा, जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, एक दफा वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर लेते हैं और एक दफा राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर लेते हैं। ये इनकोरेक्ट है। जब भी आपने बनाना है तो आपने या दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करनी है या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है या दो पार्स ट्री बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ग्रामर दी गई है बैलेंस पेरेंथेसिस की, एस कैन बी डबल एस और एस कैन विद इन द पेरेंथेसिस, और जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेरेंथेसिस है। तो इसके दो पार्स ट्री बनते हैं, कैसे बनेंगे इस स्ट्रिंग के। और ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में स्ट्रिंग दे दी जाए और उसको कर दिया जाए कि एम्बिगुअस प्रूव करें। आपको आपको एक ग्रामर दे दी जाएगी और उस ग्रामर को आपने प्रूव करना है, तो उसमें से स्ट्रिंग्स आपने खुद से फाइंड आउट करनी होंगी। जी क्वेश्चंस, किसी का क्वेश्चन है बताएं अभी। अच्छा चलें, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि पार्स ट्री इसका कैसे बनता है। तो पार्स ट्री बनाने के लिए हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन है। एम्बिगुअस ग्रामर, हमारे पास एक ऐसी ग्रामर जिसको हम कह रहे थे कि दो या दो से ज्यादा पार्स ट्री बन जाए या दो से ज्यादा उसके हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या दो से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए, तो हम उसको एम्बिगुअस ग्रामर कह रहे थे। तो नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक ग्रामर दी गई है, आपने इसको एम्बिगुअस प्रूव करना है, तो उसको स्ट्रिंग को आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात स्ट्रिंग दे दी जाती है, लेकिन नॉर्मली आपको स्ट्रिंग खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पूरी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज के लिए सी एफ जी है उसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग के लिए बन जाए दो से ज्यादा पार्स ट्री या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन, तो हम कहते हैं ये एम्बिगुअस ग्रामर। अभी ये थ्री टाइम्स क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेरेंथेसिस थी, तो उसका हमारे पास ये दो पार्स ट्री बन गए। पहले पार्स ट्री में एस ग्रामर मैं इधर लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम इसको बनाते हैं। एस कैन बी डबल एस और
S can be within the parentheses S, or S can be opening and closing parentheses. तो ये ग्रामर दी गई है. अब इसका दो पार्ट भी बनाए हैं इस स्ट्रिंग के लिए. स्ट्रिंग है हमारे पास, जो पार्ट ट्री में हमने कहा था कि स्टार्ट स्टेट रूट नोड होगा, जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे वो नॉन टर्मिनल या वेरिएबल्स होंगे, और लीफ नोड्स हमारे पास टर्मिनल्स होंगे. और लीफ नोड्स का हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो इसका रिजल्ट जो है हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाती है. वकास, आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें. नो सर, नो क्वेश्चन. तो फिर मैंने आपको वो कुछ नहीं करने के लिए कहा. सॉरी सर. तो इसका आंसर जो है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इस तरह से हम गेट कर सकते हैं. अब इसके दो पार्ट्स भी बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक इस साइड पे हमने बनाया. तो ये जो है ग्रामर जो है हमारे पास एम्बिगुअस है, क्योंकि इस ग्रामर के किसी एक स्ट्रिंग के लिए भी एक से ज्यादा पार्ट्स भी बन रहे हैं. इसी की हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इधर बना लेते हैं ताकि इसको अरेज कर दूं. बिल्कुल, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने करनी है इसकी. तो स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट सिंबल से एस, डबल एस, नेक्स्ट स्टेप पे लेफ्ट मोस्ट में पहले वेरिएबल को चेंज करेंगे. पहले वेरिएबल को हम चेंज कर देते हैं इसके लिहाज से करते हैं. तो पहले एस को डबल एस से चेंज कर देते हैं, तो ये तीन एस हो गए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पहले एस को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ चेंज कर देंगे रूल के साथ. फिर अगेन अगले स्टेप पे इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसकी इस स्ट्रिंग की हमारे पास ये आ जाती है. दूसरी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसकी क्या हो सकती है वो यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ. एस कैन बी डबल एस और फर्स्ट एस को अगर हम रिप्लेस कर दें इसके साथ और बाकी एक एस रह गया, नेक्स्ट एस को जो एक ही वेरिएबल है हमारे पास इसको रिप्लेस कर दें डबल एस के साथ, फिर अगेन इस एस को डबल एस के साथ और तो ये इसकी दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रही हैं. इसका मतलब है कि ये एम्बिगुअस ग्रामर. अब इसका अगर पार्ट ट्री बनाएं तो पार्ट ट्री कैसे बनेगा. सबसे पहले एस को डबल एस के साथ रिप्लेस किया है, तो एस रूट नोड और उसके दो चाइल्ड डबल एस, और पहले एस को हमने अगेन डबल एस के साथ रिप्लेस किया था. तो यानी कि इस एस की वैल्यू हमारे पास ये डबल एस आ गई, और उसके बाद एस को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ चेंज किया, इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ चेंज किया, और लास्ट में इस एस को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ चेंज किया. तो ये हमारे पास इसकी पार्ट्री बन गया. दूसरे वाला बनाते हैं. फर्स्ट टाइम रूट नोड, उसके दो चाइल्ड डबल एस, और पहले एस को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ चेंज किया, और दूसरे एस को हमने कहा था कि यहाँ पे डबल एस के साथ चेंज करेंगे, डबल एस के साथ चेंज किया,
और पहले एस को हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गई और उसके बाद दूसरे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गई, तो इस तरह से हम इसका पास ट्री और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाई। अब इसके दो पास ट्री बन गए और दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन गई, तो हम कहते हैं कि ऐसी ग्रामर जिसके ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई एक भी स्ट्रिंग के लिए बन जाए तो ऐसी ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं, और जिस लैंग्वेज के लिए हम एम्बिगुअस ग्रामर बनाते हैं उसको एम्बिगुअस लैंग्वेज भी कह सकते हैं। सॉरी, नॉर्मली एम्बिगुअस ग्रामर होती है, लैंग्वेज एम्बिगुअस नहीं होगी, लैंग्वेज के लिए हम सिर्फ सीएफजी बनाते हैं। और नॉर्मली क्या करते हैं कि एम्बिगुइटी क्यों बैड है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद, लेकिन इसका किसी भी ग्रामर को एम्बिगुअस से अनएम्बिगुअस करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं। हमें उसकी जिस लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, फिर उसके लिहाज से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे पास थ्योरम या कोई भी लॉ नहीं है कि हम इसको इस तरह से एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास के एम्बिग्विटी किस तरह से थी, जिस तरह मैंने आपको बता दी है कि दो पास भी हो जाएं या दो लेफ्ट मोस्ट डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो जाएं सेम स्ट्रिंग के लिए या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन हो जाए। अक्सर लोग एक और मिस्टेक करते हैं कि वो एक स्ट्रिंग के लिए एक पॉजिटिव बना लेते हैं या एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना लेते हैं, दूसरे के लिए दूसरी बना लेते हैं, तो वो जो है इनकोरेक्ट प्रैक्टिस है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब एक और ग्रामर देखते हैं, ये है एक्सप्रेशंस की ग्रामर। जिस तरह आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, दो नंबर्स को या दो एक्सप्रेशंस को आप ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो एक्सप्रेशन को पैरेंथेसाइज हम लिखते हैं जब उसकी प्रेसिडेंस हाई करनी हो, और यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है कि दो एक्सप्रेशंस, ए जो है कोई नंबर को डोमिनेट कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, फिर अगेन ये एक एक्सप्रेशन बनेगा, बिगर एक्सप्रेशन, और उसके बाद दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर सकते। ये एग्जांपल है इस ग्रामर के लिहाज से, तो हम इसको चेक करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। बिल्फर्स हमारे पास ये स्ट्रिंग है ए प्लस ए स्टेरिक ए, तो हम इसको एम्बिगुअस ग्रामर, इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फाइंड आउट करें। ए प्लस ए स्टेरिक ए क्या करेंगे, दो एक्सप्रेशन है उनको ऐड किया है, तो पहले स्टार्ट सिंबल ई है, ई को चेंज किया है ई प्लस ई में, फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करनी है तो पहले वाले ई को हमने ए में चेंज कर दिया है, और उसके बाद अगला वेरिएबल ई जो है उसको ई स्टेरिक ई में चेंज कर दिया है, और नेक्स्ट ई को ए में चेंज किया, और लास्ट वाले ई को जो लास्ट एक्सप्रेशन ई है उसको ए में चेंज किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इस तरह से हम कोई भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना ली है। अब इसका पास ट्री बनाते हैं, ई स्टार्ट सिंबल पहले इससे चेंज किया था ई प्लस ई से, तो हमारे पास ई प्लस ई आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट वाले ई को ए के साथ चेंज किया है, नेक्स्ट अगर सेकंड वाले ई को, उसके बाद ई को किया था ई स्टेरिक ई के साथ, और लास्ट में पहले वाले ई को ई के ए के साथ चेंज किया, उसके बाद इसको ए के साथ चेंज किया। अब लीफ नोड का अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें, ए प्लस ए स्टेरिक ए, तो हमारे पास ये इसके जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास आ जाती है जिसके लिए हमने पार्स ट्री या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाई। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन सकती है। प्रीवियस में हमने क्या किया है,
ये पहले ई प्लस सी लिखा है, यहां पे हमने ई स्टेरिक ई से स्टार्ट कर, पहले ई स्टेरिक ई लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ई है, तो इस ई को ई प्लस सी के साथ चेंज कर जो फर्स्ट ये वाला रूल अप्लाई किया, तो इस ई को ए के साथ रिप्लेस करें, नेक्स्ट ई को अगेन ए के साथ, और लास्ट वाला ई जो है उसको ए के साथ रिप्लेस करें, तो वही स्ट्रिंग गेट होती है जो हमने प्रीवियसली गेट की। ये एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, इसका अगर पार्स ट्री बनाएं तो ई ई स्टेरिक ई ई जो फर्स्ट स्टेप पे हमने अप्लाई किया था, उसके बाद फर्स्ट ई को रिप्लेस किया था ई को ई प्लस सी के साथ, और फर्स्ट ई को ए के साथ रिप्लेस किया था, नेक्स्ट सेकंड ई को ए के साथ, और लास्ट ई को ए के साथ रिप्लेस किया था। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस बन गए। तो ये हमारे पास है कि किस तरह से हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और पार्सली बनाते हैं। अब इसी स्ट्रिंग के लिए, सेम स्ट्रिंग के लिए हमारे पास दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और दो राइट दो पार्सली बन गए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर है एम्बिगुअस है। जुबैर आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि उसमें स्ट्रिंग दी होगी, अगर स्ट्रिंग नहीं दी हुई तो सर हम इसे दोनों तरीकों में से एक तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी किस स्ट्रिंग के लिए बनाना। आपको ये इस तरह से कोई ग्रामर दे दी है, बिल्कुल यही ग्रामर दे दी है, और आपको कहा जाता है इसको प्रूव करें कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है, तो फिर आपको इसको करना पड़ेगा, इसकी दो पहले स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसकी दो लेफ्ट मोस्ट या दो राइट मोस्ट डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। रिमशा ठीक सर, ओके जी। रिमशा आपका क्वेश्चन। सॉरी सर गलती से। चलिए ठीक। तो ये हमारे पास इस तरह से हम उसकी दो लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशंस बना सकते हैं। अब ये दो डेरिवेशन ट्री बने या पार्स ट्री बने, ये टोटली डिफरेंट है और ये टोटली डिफरेंट, लेकिन रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो है हमारे पास या वर्ड जो है सेम आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा दो डिफरेंट पार्स ट्री का? बिलफर्ज ए की वैल्यू हम टू रखते हैं, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या आएगा, तो ए की वैल्यू टू कोई भी नंबर हो सकता है, तो 2 + 2 + 2। अब यहां से सबसे पहले एक्सप्रेशन जो है हम लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं उसको एवेल्युएट करना, तो अब 2 × 2 ये वाला 2 × 2, तो इसका रिजल्ट 4 आएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन में 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आया तो 4 को 2 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आए, जबकि इस केस में दूसरे केस में क्या आएगा, 2 इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आई, इस एक्सप्रेशन की 2 आई, इन दोनों को ऐड किया 2 + 2 4 आ गया, और 4 × 2 इस 2 को मल्टीप्लाई तो तभी कर सकते हैं जब इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2 × 4 तो 8 रिजल्ट आया। अब एक ही स्ट्रिंग है उसके दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक 1 × 6 आ रहा है, 1 × 8 आ रहा है, तो इसका नुकसान हमारे पास ये है होगा कि अगर हमारे पास दो पार्स ट्री या दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किसी एक स्ट्रिंग के लिए बन रहे हैं ग्रामर के लिहाज से, तो उसमें वो एम्बिगुअस होगी, तो जब इसको कंपाइलर कंपाइल करेगा, बिलफर्ज इसी को आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसका वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, बिलफर्ज इज इक्वल टू अब या बी इज इक्वल टू, तो अब इसका रिजल्ट 6 आना चाहिए या 8 आना चाहिए, ये फिर जिस तरह से ग्रामर लिखी होगी उसके लिहाज से होगा। अगर एम्बिगुअस ग्रामर होगी तो कुछ वक्त पे कुछ टाइम उसको कंपाइल करेंगे 6 आएगा, कुछ टाइम पे 8 आएगा, जबकि लाइफ टाइम या क्रिटिकल एप्लीकेशन में इस तरह का एरर्स हमारे पास होते नहीं। तो नॉर्मली अगर ग्रामर हमारे पास एम्बिगुअस हो तो हम उसको पहले एम्बिगुअस ग्रामर लिखेंगे, अनएम्बिगुअस ग्रामर लिखेंगे,
तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते। तो दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है और नॉर्मली ये कंपाइलर में ग्रामर हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आए, एम्बिगुअस थी इसलिए क्योंकि इसके दो डेरिवेशन ट्रीज बन रहे थे या दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अभी हमने इसकी ड्राइव की, राइट मोस्ट दो राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हम इसी मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। एक और ग्रामर जो नॉर्मली आप यूज करते हैं कि इफ स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को किस तरह से लिखा जा सकता है, विल फर्स्ट इफ एक्सप्रेशन कोई भी एवेल्युएट होना है, मैं सिर्फ ई लिख रहा हूं, उसके बाद अगेन इफ लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, और उसके बाद स्टेटमेंट लिख रहा हूं एल्स, बिल्कुल एल्स लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एल्स है ये किस इफ के साथ आएगा, नीचे वाले इफ के साथ या ऊपर वाले इफ के साथ, तो यहां पे भी ये ग्रामर एम्बिगुअस आएगी क्योंकि दो एक्सप्रेशन दो इफ है तो इसके साथ ही आएगा, तो ये इस तरह की ग्रामर भी हमारे पास एम्बिगुअस ग्रामर हो सकती है, तो इस ग्रामर को हमें अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेंगे तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके दो बन गए पॉजिटिव स्ट्रिंग के लिए, इफ एक्सप्रेशन वन देन एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू, तो इसके दो पॉजिटिव बनेंगे, पहले वाले में रिजल्टेंट वही आएगा लेकिन दो पार्स ट्री बन रहे हैं, पार्स ट्री को हम डेरिवेशन ट्री भी कह सकते हैं, तो ये जो ग्रामर है हमारे पास एम्बिगुअस ग्रामर, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एम्बिगुअस ग्रामर है। अब कुछ टास्क आपको मैं ग्रामर दूंगा एज अ टास्क, तो वो आपने उसको चेक करना है कि वो एम्बिगुअस है या नहीं।